महिला और पुरुष की चर्चा होती है, लेकिन एक तीसरा एंगल भी है समाज का जिस पर राजनीतिक चर्चा नहीं होती है। अब मेरा सवाल ये है कि आपकी राजनीतिक भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित हो पाती है? 2014 में हमारे किन्नर समुदाय का कानून पास हुआ, उनको नागरिकता मिली। 2014 के बाद बहुत चीज़ें बदली और बहुत मुद्दे सामने आए और हमारे कॉलेज के जो छात्र छात्राएं इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो राजनीतिक मुद्दा कहाँ है कहाँ नहीं है, राजनीतिक भागीदारी का सवाल, भागीदारी, हाँ। भागीदारी की मतलब कि उनकी भागीदारी क्यों नहीं हो पाती है? जब तक भारत निर्वाचन आयोग तो जब तक नहीं वो कहेगा तब तक वो नहीं आएगा। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि किन्नरों के लिए कुछ कल्याण बनाओ, आयोग बनाओ, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बोर्ड बनाया चुनाव के 3 महीने पहले से, किन्नर कल्याण बोर्ड, जिसमें लोग जुड़े हैं। उसमें काम अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नाम चल रहा है। मगर हमारी सोच तो यही थी कि जब सरकार शुरू बनी थी तब इनको करना चाहिए। सरकार के पास मुद्दे बहुत है, चीज़ें बहुत है, प्रपोजल भी बहुत है, तो सरकार को बगैर सोच नहीं, कहीं से आवाज़ आने के बाद ही, जब बच्चा रोता है तो लोग तभी कहते तभी माँ सुनती है, वरना नहीं सुन पाती। तो रोने के पहले ही कुछ करो कि जो बच्चा ना रोए। तो किन्नर जो हमारा ट्रांस पर्सन है, ट्रांस पर्सन बिल्कुल एक दुखी है, एक बहुत अपने दुख को शेयर नहीं कर पाता है। हम उस दुख को निकालना चाहते हैं, उस मन को मारना चाहते हैं, सोच को बदलना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हम तो कलाकार भी बनना चाहते हैं, हम राजनीति भी करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, जैसे एक मेल और फीमेल कर रहा है। क्या हमारा अधिकार नहीं है क्या इस देश में? नहीं, बिल्कुल है। काशी के घाट से आप सलमान को सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा न्यूज ट्रैक के सभी दर्शक इस बात पर ध्यान दें कि जब भी आपकी सामाजिक या राजनीतिक चर्चा हो तो वह सिर्फ पुरुष या महिला के बीच में ना बटी हो। हमारे समाज का एक तीसरा हिस्सा भी है जो हम जैसा ही दिखता है, हम लोगों के बीच का है, हम जैसा ही कार्य करता है, उसकी भी एक चर्चा होनी चाहिए। एक और सवाल है मेरा, आखिरी सवाल, महिला सुरक्षा का, इस पे आप लोग क्या सोचते? 2017 के पहले खूब राजनीतिक चर्चा हुई, सरकार भी शायद इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं प्रभावित दिखी थी। अभी वर्तमान में क्या सुरक्षा में कोई परिवर्तन आया है महिलाओं की सुरक्षा में? सर, मुझे लगता है कि ये जो आज का दिन हम लोगों ने एक याद में रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसको हम लोगों ने किसी श्रद्धांजलि के लिए रखा हुआ है जिसमें श्रद्धा सुमन हम अर्पित करेंगे और चले जाएंगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई शहादत का दिन है जिसे हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए। ये सेलिब्रेशन का दिन नहीं है। और सुरक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, आई थिंक 2012 में जो निर्भया के साथ हुआ 16 दिसंबर की रात में, और उसने पूरे देश को झकझोरा, इसकी चर्चाएं विश्व में हुई, और अगर सुरक्षा वाकई में मुहैया कराई गई होती तो आज पेपर अगर आप उठा के देखिए तो कम से कम 8 से 10 आर्टिकल आपको रेप के, वायलेंस के छोड़ दीजिए, एटलीस्ट रेप के आपको 10 मिल जाएंगे, वायलेंस के तो अनगिनत हैं। और अगर आप कल की अगर आपने चर्चा सुनी होगी स्मृति ईरानी जी की, तो उन्होंने खुद ये डाटा दिया है कि कोविड के ड्यूरेशन में 3542 या 3582 उन्होंने कुछ समथिंग डाटा दिया है, जिसमें कि उन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि ड्यूरिंग द कोविड जो है वो वायलेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर वाकई में सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है तो ये डाटे कहाँ से निकल के आ रहे हैं, और इतना संघर्ष करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, लोगों को मार्च क्यों निकालने पड़ते हैं, तरह तरीके के ये होता है कि टेंडर पास होते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, पैसे फंड रिलीज होता है, लेकिन वाकई में अगर ऐसा होता है तो जमीनी सतही कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वाकई में उन पैसों का सही यूज़ किया जाए तो शायद किसी भी घर में या किसी भी प्रदेश में या किसी भी जिले में इस तरीके की कैंपेन चलाने की ज़रूरत अलग से आपको नहीं करनी पड़ेगी। आज 16 की बात में इसमें एक ऐड ये करना चाहूँगी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 16 दिसंबर का इन्होंने जिक्र किया, आज ही के दिन दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद से महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में उठा था। अजी, आप अपनी बात पूरी करें। ये जो एक हम लोग कहते हैं ना कि स्लोगन आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर हम लोग कोई टाइगर स्पेसीज को सिक्योर नहीं कर रहे हैं जो खत्म हो रहे हैं, कि आप उस तरीके का स्लोगन हमें दे रहे हो। बचाओ, आप हमें आधी आबादी भी कह रहे हो और आप हमें बचाने की बात भी कर रहे हो। हम कोई प्रजाति नहीं है जो विलुप्त हो रहे हैं। आप सिर्फ हमें हमारा हक और हमारा सम्मान दे दीजिए, हम अपने आप बच जाएंगे।
थैंक यू। तो आज निर्भया कांड के अवसर पर जो 16 दिसंबर को दिल्ली में एक विभत्स घटना घटी थी, उस पर यह कार्यक्रम घाट पर रखा गया है सामाजिक चेतना के उद्देश्य से। महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या कोई परिवर्तन निर्भया कांड के बाद आया? निर्भया फंड बना, निर्भया के ऊपर कानून बनाए गए, क्या कोई परिवर्तन आया? पास्को एक्ट आया, जैसे पॉक्सो एक्ट जैसे बता रहे हैं, बच्चे के लिए होता है मेनली। एक्ट तो बहुत बनाए जा रहे हैं, कानून भी लाए जा रहे हैं, लेकिन वो पेन पेपर में हो रहा है, वो असलियत में दिख नहीं रहा है। जैसे अभी के टाइम पे कुछ दिन पहले ही बनारस में एक बच्ची की स्कूल में गए थे, उसका रेप हो गया, तो कहाँ से? अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोग बोल रहे हैं, तो किस उस पे आप पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में भेजेंगे कि अगर उसका उसी में प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है? स्कूल एक बेसिक जगह होती, उधर अगर प्रोटेक्शन नहीं मिल रही तो कहाँ मिलती? इवन घर पे लोगों का होता है जो बाहर आके नहीं बोल पाते। तो हर एक जगह सिर्फ कानून लाने से नहीं होती है, हर जगह जो पेन पेपर में लाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। तो सिर्फ कानून बनाने से नहीं बल्कि उनका धरातल पे क्रियान्वयन करना होगा। हम घाट पे मौजूद हैं, हमें महिलाओं से संवाद करने का अवसर मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में भी आपने सुना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका 80% पैसा विज्ञापन पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारी चर्चा थी आज घाट पर महिलाओं के मुद्दे पर। आखिरी कोई बात जो मैम आप कहना चाहती? ऐसा है कि एक देश में कानून है कि अगर से देश के लिए कोई कुछ ऐसा वैसा बोलेगा तो देशद्रोही केस लग सकता है, उससे सब डरता है। तो उन चीज़ों पे कोई ऐसा काम नहीं करता कोई हमारा भारत का नागरिक कि जिसके पर देशद्रोही केस लगे। तो ऐसा ही कानून और मजबूत बनाया जाए, कई गुना मजबूत। इसमें हम किन्नर पूरा समाज साथ देगा, बनाने के लिए हम रोड पे आएंगे कि ऐसा कोई कानून बने, ऐसी कोई सुरक्षा हो बेटियों की कि जो लोग छूने से ही सोचने से पहले उनकी रूह कांप जाए। तो ये हम काशी के घाट पे मौजूद हैं और बड़े सख्त शब्दों में इन्होंने कहा है कि मजबूत से मजबूत कानून बनाया जाना चाहिए, उनका धरातल पे क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारे सहयोगी रोशन के साथ मैं विक्रांत, newstech.com के लिए।